सुबह शाम काम ही काम पर करते नहीं भाई सिस्टम पे काम। दोस्तों हम सपने तो बहुत देखते हैं, काश मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होता, लाखों का बैंक बैलेंस होता। लेकिन सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने को पूरा न करना ये बुरी बात है। दोस्तों हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने का एक सिस्टम होता है। यदि हम उस काम को सिस्टम से नहीं करते हैं तो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका परिणाम सही नहीं आता है और हम निराश हो जाते हैं। दोस्तों वैसे तो बिजनेस सफल होने में काफी चीजों का हाथ होता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ग्राहक का। यदि आपके पास ग्राहक नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों यदि आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको ग्राहकों की लिस्ट बड़ी करनी होगी, और ये लिस्ट बड़ी होगी कैसे तो चलिए जानते हैं। दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं। जब हमारे घर पर शादी, बर्थडे पार्टी या कोई अन्य फंक्शन पड़ता है तो हम अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं और सैकड़ों की लिस्ट तैयार हो जाती है। इसी तरह से हम एक ऐसे फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है फ्रेंड्स। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप सैकड़ों हजारों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यह फार्मूला कैसे काम करता है। सबसे पहला नंबर है फ्रेंड। सबसे पहले आप अपने दोस्तों की लिस्ट बनाएं, फिर उनसे उनके दोस्तों के नाम निकलवाएं। इस तरह से आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के फ्रेंड्स के नाम आप लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। दूसरा नंबर है रिलेटिव्स। आप अपने रिश्तेदारों के नाम लिखें, फिर उनसे उनके रिश्तेदारों के नाम लिखें। इस तरह से भी आप अपने लिस्ट बढ़ा सकते हैं। तीसरा नंबर है इंस्टीट्यूशनल या इंटरनेट फ्रेंड्स। इसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह के फ्रेंड्स के भी नाम आप अपने लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। चौथा नंबर एम्प्लॉय। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करने वाले एम्प्लॉय का भी नाम लिस्ट में बढ़ा सकते हैं, जैसे वॉचमैन, नर्स, डॉक्टर, टीचर्स, रेलवे, पुलिस एटसेट्रा एटसेट्रा। पांचवा नंबर है नेबर्स। आप अपने पड़ोसियों के नाम लिखें, फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पड़ोसियों के नाम लिखकर भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सातवां नंबर है स्ट्रेंजर। ये आपके लिस्ट बनाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। जो भी आपके 3 फीट के अंदर आ गया उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास और आपका कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास होना चाहिए। ये ज्यादातर लोग यात्रा के दौरान मिलते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन। दोस्तों याद रखें किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रिजस ना करें, ये मत सोचो कि ये करेगा या ना करेगा, हर एक व्यक्ति को लिस्ट में डालो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।